और मैं उनके अलावा किसी, यानी जब मैं, सबको लगता है ना कि मैं किसी की बात नहीं मान रहा, तो मैं आरिफ भाई की बात मानता हूँ, उनको नहीं डाल सकता कभी, ये सबको पता है और ये बात आरिफ भाई को भी पता है, यही मेरी कमबख्ती है। मैं तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, जितने लोग हैं सब लोगों का, जो मुझे जेल में मिलने आए ख़वातीनों हज़रात, जो लोग मुझे लॉकअप्स के बाहर खड़े रहे आके थानों के, लेकिन सदीक जान बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका, यानी जितनी आपने जान मारी है, जितना आपने जोर लगाया सदीक जान, मैं ये कर्ज़ आपका मेरे ऊपर, थैंक यू वेरी मच। श्री दादा भाई कितने हैं आप? थैंक यू वेरी मच भाई जान, बहुत शुक्रिया। स्वाद से मेरे साथ वहाँ से श्री दादा भाई साथ चल रहे हैं और अच्छा, एक राज की बात इन्होंने पूछी, कहते मुझे लाहौर में पसीना क्यों आ रहा है? ये भाई यहाँ पे हबस होता है थोड़ा, बिल्कुल ठीक। आप जहाँ पे मैं रात को था वहाँ होते तो आपको पसीना नहीं आता, हल्के छूट जाते। शुक्रिया अदा नहीं करना, ये मैं आपको बता दूँ, बनता भी नहीं है, मैंने यारों का शुक्रिया अदा थोड़ी होता है। आप वापस आ गए बड़ी अगर जी, कैसे हैं? ठीक ठाक फैसल भाई। अल्लाह की मेहरबानी है। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने फॉलोअर्स को? आपको याद है जब मैं निकला था स्वाद से, मैंने क्या कहा था आपको? मैं जब निकला था स्वाद से तो मेरे साथ मेरी टीम भी थी, तो मैं इनको कह के निकला था कि चलो दिखाते हैं सबको कि अल्लाह कितना बड़ा है और सबसे बड़ा अल्लाह है, तो अल्लाह की ज़ात से उसके ऊपर भरोसा करें, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, वही आपके मामला चलाता है, वो आप पे कभी ऐसी आजमाइश नहीं डालता जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, मालिक है ना आपका, वो आपका ख्याल रखता है। थैंक यू वेरी मच भाई। एक बात मैं आपको, आप इतना, आपको मतलब नींद, मतलब कमी, परा की कमी, पीने जो साफ पानी है वो भी, मतलब जो पीने का पानी है वो भी नहीं दस्तियाब नहीं थे, तो ऐसी हालात में आपने क्या महसूस किया? कुछ होप, हिरास? हमें तो बहुत डर लग रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात सबसे बड़ी है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, बस इतनी बात मैं कहूँगा, क्योंकि अभी ये कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है जी, तो इसके बारे में जब तक ये पेंडिंग है मामला, तब तक दोनों पार्टियां बात नहीं करेंगी। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच। ईद पे अब मुझे तो ये भी नहीं याद कि क्या कुछ है, आ गया सब कुछ आ गया, चलो ठीक है, थैंक यू, कल ज़िबा करते हैं फिर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। भाई क्या कहेगा तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद हम वहाँ जाके प्रोसीडिंग ज्वाइन करेंगे और सबसिक्वेंटली फिर जो बाकी एफ आई आर की हद तक है वो उस दिन के बाद उनसे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जी हम खुद अपेयर होंगे, हम खुद पेश होंगे जाके चकवाल की अदालत में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में। अभी ये कोर्ट बताएगी कि कब पेश होंगे? सर 10 दिन का टाइम मिला नहीं बेटा, अभी सिर्फ हमें रिटर्न ऑर्डर आने दें, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी रिक्वायर्ड है जो सिर्फ आ सकती है रिटर्न ऑर्डर पे, अभी हमने अदालत के ऑर्डर पे अपनी पर्सनल छुट्टी लेनी है, उसके बाद मैं बताता हूँ। मैंने आप सब लोगों से अपने वी लॉग के जरिए दरख्वास्त की थी, मेरा दोस्त था अदनान, वो अब नहीं है, मैं उसके घर जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे, आज नहीं करेंगे। आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है, हट जाए, चल आराम से, आराम से हट जाए प्लीज। इस वक्त गाड़ी लेके मंगाऊंगा मैं पीछे, चले आप कर ले फ्री हो गए। अल्लाह सबसे बड़ा है यार, वो अच्छा इमरान, अल्लाह सबसे बड़ा है, नहीं कोई अच्छा इमरान।